हेलो गाइस, वेलकम टू आपके अपने चैनल ऑल इन वन में। आज मैं बना रही हूँ साबूदाने का नमकीन, जिसके लिए मैंने ये बड़ा वाला साबूदाना लिया है जो आपको किसी भी ग्रॉसरी शॉप पर आसानी से मिल जाएगा। अब हम चलो साबूदाना बनाते हैं, जिसके लिए मैंने एक कढ़ाई में ऑयल गरम कर लिया है। ऑयल गरम हुआ है कि नहीं, उसके लिए हम एक साबूदाना डाल के देखेंगे। अभी ऑयल गरम नहीं हुआ है, इसे और गरम होने देंगे। हमारा तेल गर्म हो चुका है, इसे चले अब साबूदाना तलते हैं। इसमें पहले थोड़ा सा साबूदाना डालेंगे और इस तरह चलाते हुए साबूदाना तलेंगे। ध्यान रहे कि साबूदाना तलते समय बहुत तेल उछटता है, इसलिए बहुत ध्यान से साबूदाना बनाना, बी केयरफुल। साबूदाना जब तक अच्छा मोटा ना पक जाए, जब तक इसे हम ऐसे चलाते हुए तलते रहेंगे। साबूदाने में चट चट की आवाज़ अगर बंद हो जाती है तो समझ लेना कि साबूदाना हमारा अच्छे से तल चुका है। तो इसे उस स्टेज पर हम अपने साबूदाने को ऑयल से बाहर निकाल लेंगे। और साबूदाना तलते समय हमेशा फ्लेम को थोड़ा मीडियम से कम ही रखिएगा, क्योंकि फ्लेम बहुत तेज हुई तो हमारा साबूदाना ऊपर से लाल जल्दी हो जाएगा, अंदर से कच्चा रह जाएगा। देखिए, हमारा साबूदाना अब तल चुका है, इसे हम बाहर निकाल लेंगे और बाकी के साबूदाने को इसी तरह तलते रहेंगे। देखिए, हमारे सारे साबूदाने इस तरह हमने तल लिए हैं। अब इसमें हम ये थोड़ी सी मूंगफली है, ये भी तल लेंगे। देखिए, हमारी मूंगफली अब तल चुकी है, इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में। अब मैंने ये थोड़े से धुले हुए करी पत्ते लिए, मैंने तलने से पहले इसे अच्छे से धो के और कपड़े में रख के अच्छे से सुखा लिया। अब इसे हम सिर्फ आधा मिनट के लिए ही तलेंगे। हमारे करी पत्ते तल चुके हैं, इसे हम निकाल लेंगे। एक बाउल में भगोने में साबूदाना लेंगे, हमारी तली हुई मूंगफली और करी पत्ते हैं ये भी डाल देंगे। अब स्वाद अनुसार काला नमक और स्वाद अनुसार ही इसमें सफेद नमक डाल, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ी सी काली मिर्ची, किसी मिठास के लिए इतनी सी पिसी हुई चीनी। अब इसे हम इस तरह मिक्स कर लेंगे अच्छे से। हमारी साबूदाने की नमकीन बनके तैयार है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।